जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि 2021 में होने वाली पांच सबसे बड़ी वैकेंसियाँ जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, जॉब पा सकते हो। ये पांच बड़ी वैकेंसियाँ जो इस साल में होने वाली है दोस्तों, इन पाँचों वैकेंसियाँ इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं कि अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो इस साल में आपकी लाइफ बन सकती है। और ये पाँचों वैकेंसियों की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इनका सिलेबस है, क्या इनकी फिजिकल मापदंड है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड तक बने रहिए। सबसे टॉप पर कौन सी वैकेंसी है और आपके उसके फॉर्म कब होंगे, कब उसका एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल है। साथ ही दोस्तों जनवरी महीने में अभी भी कौन कौन सी पाँच वैकेंसी हैं इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आप जाके देख सकते हो। ये पाँच वैकेंसियाँ जो जनवरी महीने में जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप ज़रूर एक बार देखिए, क्या पता आप उसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। तो बात करते हैं इस साल की पांच सबसे बड़ी वैकेंसियों, उनमें से जो नंबर पांच पर है रेलवे ग्रुप डी, इसका एग्ज़ाम होना बाकी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि सभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए, लेकिन आपको बता दूँ दोस्तों इसके बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। अप्रैल माह से इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं दोस्तों, अप्रैल माह से इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो अप्रैल माह से 30 जून तक चलेंगे दोस्तों। तो जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं दोस्तों और अभी तक तैयारी नहीं करना शुरू किया, या तैयारी कर रहे हैं, या और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो है कि जनरल साइंस 25 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, जनरल साइंस के, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंसी के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, और 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जीके के। इस प्रकार से इसका सिलेबस रहने वाला है। 90 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा, 90 मिनट यानी डेढ़ घंटा, यानी 90 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलने वाला है दोस्तों। इसका जो फिजिकल होने वाला है दोस्तों, उसमें 35 किलो वेट के साथ 100 मीटर की रनिंग, 2 मिनट आपको टाइम मिलेगा मेल के लिए, फीमेल के लिए 20 केजी वेट के साथ वही 2 मिनट में 100 मीटर की रनिंग। तो उसके अलावा 1 किलोमीटर रनिंग मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड और फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकंड 1 किलोमीटर की रनिंग के लिए, ये इसका फिजिकल का मापदंड है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा था 2019 की नोटिफिकेशन है, 2019 में जिन्होंने फॉर्म भरा है इसका, और वो जो एलिजिबल है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका फिजिकल का ये मापदंड बिल्कुल ईजी मापदंड है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए, पेपर की तैयारी करिए, क्योंकि अप्रैल माह से 30 जून के बीच में इसके पेपर होने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप अभी तक तैयारी में नहीं लगे तो अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। अब अगली बात करते हैं हम आरपीएफ, नंबर चार पर आती है आरपीएफ। 9500 पोस्ट की वैकेंसी रेलवे ने इसकी घोषणा कर दी है दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए इसकी घोषणा होते हुए, लेकिन 2021 में ये वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है। तो जितने भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि आप आरपीएफ की तैयारी अगर अभी तक नहीं शुरू की है तो आप शुरू कर दीजिए। इसकी जो एजुकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए आपकी, एज 18 से 25 साल के बीच में। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, और अगर एससी एसटी में इनमें आते हो तो आपको 5 साल की इसमें छूट मिल जाएगी दोस्तों। और जो इसका एग्ज़ाम है वो अभी फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है या तो जनवरी महीने में या फरवरी या मार्च महीने में, इन तीनों महीने में से इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, तभी इसकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो जाएगी। तो इसका अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो आरपीएफ 9500 पोस्ट की वैकेंसी है कॉन्स्टेबल की, तो इसकी ज़रूर तैयारी करना दोस्तों। इसका जो फिजिकल होता है, जो इसकी फॉर्म भरने की फ़ीस है, वो 500 रुपये नॉर्मल, कोई बड़ी फीस नहीं है। 500 रुपये ओबीसी और जनरल के लिए, 250 रुपये एससी एसटी के लिए, इनके लिए दोस्तों। और इसका जो फिजिकल होने वाला दोस्तों, उसमें 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलता है दोस्तों, 5 मिनट 45 सेकंड का। फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलता है। इसके अलावा इसमें जो हाइट चाहिए मेल की, मेल कैंडिडेट की जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एससी एसटी इनसे आते हैं उनकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ में 4 फीट अप जंप और 14 फीट लॉन्ग जंप होता है मेल के लिए, 3 फीट अप जंप और 9 फीट लॉन्ग जंप होता है फीमेल के लिए, ये इसका फिजिकल क्राइटेरिया दोस्तों। तो ज़्यादा हार्ड फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हो इन वैकेंसियों की तो ये ज़्यादा हार्ड फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है कि 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड है मेल के लिए, 4 फीट अप जंप है और 14 फीट लॉन्ग जंप है। तो आप तैयारी करोगे इसके एक महीने के तो ये लॉन्ग जंप और अप जंप दोनों कर दोगे और रनिंग भी कर दोगे दोस्तों। तो आप ज़रूर तैयारी करिए। फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम है, और 3 फीट हाइट जंप है, और
9 फीट लॉन्ग जंप है, तो ये भी इजी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर तैयारी करिए। इसका जो सबसे पहले होने वाला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला, उसके बाद में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबल टेस्ट होगा। और इसका जो सिलेबस है उसमें 50 क्वेश्चन जीके, 35 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले दोस्तों। तो ज़्यादा हार्ड इसका सिलेबस नहीं है, इजी सिलेबस है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके ये सब्जेक्ट आप रेगुलर मैथ और रीजनिंग पढ़ते हो, जीके भी पढ़ते हो, तो कोई अलग से हटके इसकी कोई तैयारी करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी कर सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी इस साल होने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 3 की दोस्तों। तो नंबर 3 पर दोस्तों HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कि ये वैकेंसी होने वाली है 7298 पोस्ट की। इसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था। ये वैकेंसी होने वाली है, इसके फॉर्म 7 फरवरी से भरे जाएंगे। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसमें 12th पास आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, एज आपकी 18 से 25 साल। तो ये भी एक अच्छा मौका है, अच्छी है, इंडिया लेवल पर रहिए। ये वैसे तो हरियाणा पुलिस के, लेकिन इंडियन लेवल पे कोई भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो इस वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हो। ज़्यादा फॉर्म फीस भी नहीं है, 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ है। SC ST के लिए 50 और जनरल OBC के लिए 100 रुपीज़। तो ज़्यादा एज फीस भी नहीं, आप ज़रूर भरना। इसके एग्ज़ाम अप्रैल के आसपास हो सकते हैं, 100% अभी डेट नहीं आई, फॉर्म भर फिलअप होने के बाद ही इसकी डेट की अलाउंस होगा, लेकिन हाँ अप्रैल या मई में इसके एग्ज़ाम होने दोस्तों। तो ये वैकेंसी भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो फिजिकल होता है पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, उसकी डिटेल मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के ज़रूर दे दूंगा कि इसके फिजिकल में क्या क्या होगा दोस्तों। इसके बाद में जो नंबर 4 पर है, ये भी काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, रीट, जो अभी राजस्थान में आ रखी है टीचर के लिए, जिसके लिए योग्यता BEd या BSTC चाहिए। तो रीट के जो एग्ज़ाम है, इसमें जो आपके एग्ज है अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 11 जनवरी से 8 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जो एज है वो है 18 साल से 35 ही है, 18 से 35 साल तक इसकी एज है। ये टीचर की वैकेंसी है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों की, यानी BEd और BSTC दोनों के लिए है। और एज मैंने बता दी 18 से 35 साल है। OBC वालों को 3 साल की छूट है और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है। इसमें भी अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने BEd की है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ये 32,000 पोस्ट की वैकेंसी है दोस्तों, 32,000 वैकेंसी है इसमें, 32,000 के आसपास की ये वैकेंसी है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और ऑल इंडिया से आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने BEd या BSTC कर रखी है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये टीचर की वैकेंसी है, तो अगर आपकी BEd हो रखी तो आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना दोस्तों। इसका सिलेबस का मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका सिलेबस का आपको अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। आप वहाँ पर अपना सिलेबस देख सकते हो, या इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। रीट के नाम से आप सर्च भी करोगे, रीट सिलेबस फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल, तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा दोस्तों। और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर आपको अभी भी अपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो अभी भी आप फॉर्म भर दीजिए दोस्तों। अब आते हैं नंबर 5 और सबसे टॉप वैकेंसी, SSC GD 2021 दोस्तों। 84,000 के आसपास समथिंग इसमें पोस्ट आने वाली है। इसके फॉर्म 25 मार्च से 10 मई के बीच में भरे जाएंगे। इसका एज 18 से 23 साल है। OBC वालों के लिए 3 साल की छूट, जनरल वालों के लिए 5 साल की छूट है दोस्तों। एजुकेशन 10th पास ही है, मतलब कोई भी भर सकते हैं। SSC GD में आपको पता है CRPF, BSF, ITBP, CISF, असम राइफल, SSF, NIA, इनकी सभी पोस्ट की वैकेंसी डिवाइड होकर आती है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो और इन सभी फोर्स में अपनी ज्वाइनिंग पा सकते हो दोस्तों। इसका जो पेपर होता है उसका 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी और 25 GK होता है। तो मतलब बिल्कुल इजी ही इसका पेपर होता है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आप रेगुलरली पढ़ते हो तो आपको अलग से इसकी कोई तैयारी नहीं करनी, आप जो तैयारी करते हो उसी को थोड़ा सा तगड़ा करना है। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अगस्त महीने में होने वाला दोस्तों। एग्ज़ाम के बाद में इसका फिर फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। फिजिकल के लिए 170 सेमी आपकी हाइट होनी चाहिए, 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। हाँ, इसमें ST वालों के लिए हाइट में छूट दी गई है और उनको चेस्ट में भी छूट दी है। उनका 87 से 82 ही वो होना चाहिए चेस्ट, और हाइट में भी उनकी 165 या 162 सेमी, अलग अलग जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से भी उनको छूट दी गई है। तो ये उनकी हाइट होती है। और 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट का टाइम है, लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट का टाइम। तो मतलब बहुत ही अच्छी टाइमिंग है, लड़की कोई भी करेगी 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग, लड़का कोई भी कर देगा 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में। यानी बहुत ही इजी सा इसका पूरा है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। फिजिकल भी अच्छा है, पेपर भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर आपने अभी तक इसकी तैयारी शुरू नहीं की है तो अब तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो मेरा चैनल है फौजी मैथ अकेडमी, इस पर आप आके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हैं। इन
एग्जामों में आने वाले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो दोस्तों। तो ये 5 बड़ी वैकेंसियाँ इस साल में होने वाली है, तो अब इस साल के लिए आप अपनी कमर टाइट कर लीजिए और इनमें से किसी न किसी एक में आपको लगना ज़रूर है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।